हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहतमंद और खुशहाल होंगे और मैं है ना अभी चाय बनाने के लिए आई हूँ और साथ में है ना ये छोटा वाला जो आप बर्तन देख रहे हो ना ये इसके अंदर रखा हुआ है खीर कल वाला जो खीर था वो थोड़ा सा बच गया है और ये बहुत ही थिक हो गया है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको एक दिन के लिए रख देते हो ना तो नेक्स्ट डे दे टेंट टू बिकम थिकर जैसे कि आपकी कड़ी हो गया साग हो गया सभी तरह की दालें भी अगले दिन थिक हो जाती हैं पनीर की सब्जियां भी थिक हो जाती हैं और खीर वगैरह भी थिक हो जाता है ये बहुत थिक हो गया है मैं इसको अभी थोड़ा सा दूध डाल के डायल्यूट करूँगी वैसे ये बहुत अच्छा बनता है थोड़ा सा अंगूरी बासुंदी अगर आपने खाया हो वो इतने छोटे छोटे से रसगुल्ले होते हैं आ, और वो रस मलाई का दूध जैसा होता है बासुंदी अगर आपने खाया है तो ये हाँ महाराष्ट्र गुजरात में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है बहुत स्वाद भी लगती है कभी आपको उसकी रेसिपी भी मैं दूँगी तो ये वाला जो खीर है ये अंगूरी बासुंदी और आपका जो रस मलाई है ना कुछ कुछ उस तरह का लगता है ये जो पनीर है इसको पका पका के सॉफ़्ट कर लीजिए तो बहुत मज़ेदार लगता है अब ये जो है इसको मैं वापस पकाने के लिए रख दूँगी और फिर बाद में हम लोग खाना खाएंगे ना उसके बाद फिर ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा तब तक ठंडा भी हो जाएगा और मैं चाय भी बनाने के लिए रख रही हूँ अभी और मौसम इतना अजीब सा हो गया है ना अगर आप बैठे रहो मतलब मैं सोफ़ा में या बेड में बैठी रहूँ तो मुझे ठंड लगती है है ना और अगर मैं फिर काम करने लगूँ तो फिर मुझे गर्मी लगती है लेकिन फिर मैं वही बोल रही ना अगर आप बैठे रहो जैसे आपने सानवी खुशी को भी देखा होगा वो यूजअली हुडीज पहन कर बैठे होते हैं क्योंकि जब तक आप बैठे हो तब तक आपको ठंडा अच्छा आराम ऐसा फील होता है बट द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग और स्पेशली किचन में तो किचन में तो वैसे भी गर्म ही रहती है पूरे साल और बिकॉज आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो गर्मी लगती है तो मुझे तो बाबा गर्मी लगती है मैंने अभी फ़ैन भी ऑन कर दिया है मैं यहाँ से फ्री होकर जब जाके बैठूँगी तो फिर शायद हल्का लगे मुझे और शर्मा जी तो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि सारा दिन मैं पंखा चला के काम करती हूँ और रात को मैं कम्बल ओढ़ के सोती हूँ और ये तीनों लोग सारा दिन इनको सर्दी लगती है पंखा एकदम वन पे कर देते हैं और स्वेटर्स पहन लेते हैं और लेकिन रात में इन सबको गर्मी लगती है मेरा उल्टा है आपके खीर वगैरह होते हैं ना आपको नेक्स्ट डे अगर यूज़ करना है तो थोड़ा दूध डालकर उबाल दीजिए तो वो बहुत अच्छे फ्रेश जैसे हो जाते हैं और खीर है ना नेक्स्ट डे अगर आपको बहुत गाढ़ी खीर पसंद आती हो तो नेक्स्ट डे बहुत मज़ेदार लगती है और हाँ लेटली मैंने एक वेब सीरीज़ कंप्लीट किया है और उसका नाम है आर्या सुष्मिता सेन वाला और सुष्मिता सेन का एक्टिंग बहुत अच्छा है उसमें बट ऑल इन ऑल मैं मतलब उसके सारे एपिसोड्स देख चुकी हूँ मुझे उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा है बहुत अच्छा लेकिन अभी जो चल रहे हैं ना इस वक्त और भी वेब सीरीज़ बहुत मज़ेदार चल रहे हैं मुझे थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में स्लो लगा बट आपको शायद पसंद आ सकता है सबकी चॉइस एंड टेस्ट डिफरेंट होते हैं लेकिन वन टाइम वॉच के लिए अच्छा है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं थ्री डेज़ में हम लोगों ने उसके सारे एपिसोड्स देख देख डाले वेब सीरीज़ का ऐसा ही होता है आप एक बार शुरू करें ना फिर आप रुक नहीं सकते क्योंकि वो लोग इस तरह बनाते हैं कि आ, पूरा एपिसोड स्लो चलता रहेगा लेकिन एंड में जब वो एपिसोड को फिनिश करने वाले हैं तो एकदम से कुछ बड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा कुछ एकदम ही सस्पेंस वाला कुछ रख देंगे कोई टर्निंग पॉइंट आ जाएगा कि फिर आप ग्लू हो जाते हो फिर आपको दूसरा एपिसोड देखना ही पड़ेगा फिर वो एपिसोड शुरू होता था तो आपको लगता है कि अरे इतना भी कुछ तो था नहीं इस एपिसोड में जितना ज़्यादा हाइप दिया था लेकिन जब ये करंट एग्जिस्टिंग एपिसोड जो आप देख रहे हो ये एंड तक आएगा तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड भी देखोगे तो आ, वेब सीरीज बीच में बंद करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रांग मोटिवेशन अदरवाइज आप एक के बाद एक एपिसोड्स देखते ही रहोगे और ये जो खीर था ना बस मैं इसको पतला करने के लिए रख रही हूँ देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और जब आप पनीर को ना स्पेशली उठा के फ्रिज में रख देते हैं वो ठंडा हो जाता है तो पनीर है ना थोड़ा सा स्टिफ भी हो जाता है पनीर गरम रहता है तो सॉफ्ट रहता है ठंडा हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा फर्म हो जाता है इसलिए भी इसको गर्म करके खाना ज़्यादा बेहतर है मैं इसे अच्छा खासा डायल्यूट कर रही हूँ अभी कल गाढ़ा खाया था मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई तो मैं इसे पतला कर रही हूँ पैरलली मैं चाय भी बनाने रख रही हूँ और देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और ये जो दूध है ये पक चुका है ऑल्सो इसका जो पनीर है ना ये भी एकदम ही सॉफ्ट हो गया है बस मैं इसे और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी देखिए पनीर कितना सॉफ्ट हो गया है ऐसे देखकर तो लग रहा है जैसे रसमलाई का टुकड़ा पड़ा हुआ हो सच में आप ये बनाइएगा ऐसा ही लगता है जैसे रसमलाई आप खा रहे हो बस वो मलाई जो होती है वो गोल गोल जो होती है वो नहीं होती है इसमें बाकी बाइट में वैसा ही फील होता है बहुत मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी है गिव इट अ ट्राई आपको अच्छी लगेगी दो तीन इन्ग्रीडियंट्स से फटाफट से दस पंद्रह मिनट में बन जाती है चाय हो गई रेडी फ़िलहाल तो चाय ही पियेंगे हम लोग जो खीर है वो बाद में खाई जाएगी और ये है गोभी मंचूरियन सर्दियाँ लग चुकी हैं बड़ी अच्छी गोभी मार्केट में आ रही है ये रेसिपी मैं आपको दूंगी, आप ज़रूर बनाना बहुत ही मज़ेदार ये बनती है बड़े से बर्तन में मैंने ढेर सारा पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सॉल्ट ये जो गोभी है ना हमारी इसको मैंने काट के रख लिया है छोटी सी गोभी थी इसको इतने छोटे छोटे फूलों में मैंने काट लिया है इतने छोटे जो होल निकल चुके हैं वो होल निकाल लिया है जो बड़े थे उनको इस तरह दो या तीन पीसीज में मैंने तोड़ लिया है यानी कि सारे पीसेज एक जैसे लगे अब ये तो हो चुकी है तैयार धोकर सुखा कर मैंने इसको रख लिया है पानी भी हो चुका है बॉयल इस बॉयलिंग वाटर में गोभी को डाल देंगे दो एक मिनट के लिए मैं यहाँ गोभी उबाल नहीं रही हूँ मैं सिर्फ इसे थोड़ा सा ब्लांच कर रही हूँ ब्लांच भी नहीं कर रही हूँ मैं इसे ज़रा सा सिर्फ गर्म पानी में रख रही हूँ सो दैट इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह हो और कलर वगैरह हो और स्मेल भी होती है गोभी की एक वो निकल जाए पकाना नहीं है आपको यहाँ पर सिर्फ कुकिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं हम थोड़ी सी गोभी सॉफ्ट हो जाएगी और बेसिक पर्पस यही है कि ज़रा सा गोभी सॉल्टी हो जाए और इसका जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है वो भी निकल जाएगा और कलर भी निकल जाएगा आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं ये ऑप्शनल है रेसिपी में एज सच इस स्टेप की बहुत ज़रूरत नहीं होती है ये देखिए सारी गोभी मैंने निकाल ली है इसे फैला के रख दीजिए जिससे इसकी कुकिंग बंद हो जाए इसे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा ही गल जाती है इसका जो टेक्स्चर है वो पूरा ही ख़त्म हो जाता है मैं इसे थोड़ा खोल खोल कर रख दे रही हूँ थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर आ जाएगी और द पानी कितना ये क्लाउडी हो गया है पानी इसको मैं फेंक दूंगी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें अब एक बर्तन में ले लीजिए कॉर्न स्टार्च एंड मैदा दो चम्मच मैदा लिया है तो दो चम्मच कॉर्न स्टार्च चार एक चम्मच मैदा लिया है तो चार एक चम्मच कॉर्न स्टार्च डिपेंड्स कि आपने गोभी कितना लिया है बराबर मात्रा में कॉर्न स्टार्च और मैदा लेकर ये डाला है मैंने काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा नमक डाल दिया था और यह कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर यह है सिर्फ गार्लिक एक गार्लिक को मैंने कूट लिया था पीस लिया था सिर्फ गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है सारी चीज़ों को एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए और इसके बाद इसका एक बैटर जैसा बनाना है हमको ना बहुत रनी ना बहुत थिक एकदम ऐसा बैटर जो अच्छे से आपकी गोभी को कोट कर ले ऐसा बैटर आप बना लीजिए इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने डाली हैं वो सिर्फ कलर के लिए डाली है तीखापन के लिए काली मिर्ची का पाउडर डाला है इसलिए जो लाल मिर्ची का पाउडर है कश्मीरी रेड चिलीज़ ये ऑप्शनल है आपको रेड रेड पसंद आता है तो डालिएगा अगर नहीं है आपको पसंद तो मत डालिए कम्प्लीटली ऑप्शनल है आप थोड़ा थोड़ा पैन कर इसका बैटर बना ले रही हूं मैं अच्छे से वस्क कीजिए इसको और सही सा मेरा बैटर बन गया है ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा रनी बस ये अच्छे से गोभी को कोट कर लेगा इतना काफ़ी है अब ये गोभी के फूल जो तैयार करके रखे थे फ्लोरेट्स हैं ये और एक बार में बैटर में उतने ही डालें जितने आप एक बार में फ्राई करने वाले हो ज़्यादा मतलब सारे सारे इसमें मत भर दीजिए और ना ही कढ़ाई को ओवर क्राउड कीजिएगा अब मैंने ये डाल दिए हैं इसके अंदर और एक एक को मैं यू नो एक, एक को कोट करके मैं फ्राई करूँगी कढ़ाई में ऑयल ले लिया है मैंने वो गर्म हो रहा है देखिए मैं इसे किस तरह कोट कर रही हूँ एक बार आप फ्लोरेट को इस तरह कोट कर लें फिर जो इसकी टेल होती है ना वहाँ से पकड़ के थोड़ा झाड़ दीजिए ऐसा करने से क्या होगा जो आ, ये बैटर है ना ये गोभी के अंदर तक चला जाएगा तो आपको आपकी गोभी स्वाद लगेगी आप चाहे तो इसे फिर से एक बार कोट कर लीजिए और डाल दीजिए बट मैं बहुत ज़्यादा बैटर वाला नहीं बना रही हूँ ये ऐसे बहुत क्रिस्पी और अच्छे लगते हैं अब आपकी कढ़ाई के अंदर एक एक करके सारे फ्लोरेट्स डाल दीजिए कढ़ाई ओवर क्राउड मत कीजिएगा और इसके बाद आप इसे फ्राई कर लीजिए ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं बहुत सारे लोग इनफैक्ट जो बाहर जो बेचते हैं ना प्रोफेशनली वो लोग भी इसको डबल फ्राई करते हैं यानी कि एक बार फ्राई करके उतार लिया और उसके बाद दूसरी बार जब आपके सॉस वगैरह रेडी हो उससे थोड़ी ही देर पहले इसको फ्लैश फ्राई किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे एक से दो मिनट बस मतलब पकाना नहीं है इंटेंशन सिर्फ इसकी जो आउटर स्किन है ना कवरिंग जो है कोटिंग जो है इसको क्रिस्पी करना होता है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे डबल फ्राई कर सकते हो मैं नहीं कर रही हूँ एक बार फ्राई करने में अच्छे से पक भी चुका है और मेरे हिसाब से अच्छा क्रिस्पी भी हो गया है बस इसी तरह एक एक करके आपके जो सारे फ्लोरेट्स हैं इनको आप फ्राई कर लीजिए और ये बहुत अच्छे लगते हैं इस स्टेज पे भी आप इसे खा सकते हो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए या शेजवान चटनी से लगा लगा के आप इसे खा सकते हो अच्छे पकोड़े जैसे लगते हैं ये बट हम इसका करेंगे मंचूरियन मंचूरियन भी अल्टीमेट रेसिपी है कॉलीफ्लावर का बहुत ही बढ़िया लगती है अगर आपको कॉलीफ्लावर पसंद है जैसे मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद आएगी कॉलीफ्लावर फ्राई हो चुका है उसे साइड में रख देते हैं लाल मेरे फ्राइड राइस जो आप देख रहे हो इसको बना लेती हूँ और एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा ऑयल ये वही वाला ऑयल जिसमें मैं फ्राई कर रही थी कटा हुआ जिंजर गार्लिक हरी मिर्च डाली है एक सूखी लाल मिर्च डाली है और इस तरह लंबी लंबी कटी हुई प्याज डाली है प्याज भी आप बारीक काट सकते हो फ्राइड राइस की तैयारी हो रही है ये तेल आ, मैंने आपको बताया जिसमें मैंने फ्राई किया है वही लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं अभी जो मंचूरियन है आप इसे एज स्नैक या स्टार्टर ऐसे ही खा सकते हो बट अगर आप मील में खा रहे हैं मंचूरियन तो उसके साथ राइस या नूडल्स ज़रूर बनाना चाहिए थोड़ा सा आ, मैंने प्याज पका लिया है बेसिकली इसके सारे जो पेटल्स हैं ना वो खुल गए हैं तो मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा कैप्सिकम थोड़ा कैरेट्स और अभी ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ी तो देर भूनूंगी चाइनीज कुकिंग में सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है सिर्फ फ्राई करना है आपको इन्हें फुल फ्लेम पे। मैंने थोड़ा यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं उसके ग्रीन्स डाले और ये है मेरा लेफ्ट ओवर राइस और लेफ़्ट ओवर राइस बहुत अच्छा जाता है आपके फ्राइड राइस में मैंने ये डाला है थोड़ा फ्राइड राइस मसाला थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक यह है एरोमैट पाउडर इसका लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अजीनोमोटो वगैरह नहीं डालते हैं ना तो ये टेस्ट मेकर की तरह काम करता है ज़रा सा डाला है मैंने यहाँ गर्म मसाला अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिए के हल्के हाथों से सारा जो मसाला सब्जी वगैरह है उसको राइस में आपको अच्छी तरह से मिला देना है एक और टिप मैं आपको यहाँ देती हूँ क्योंकि मैं आ, स्टेल राइस इस्तेमाल कर रही हूँ ना लेफ़्ट ओवर राइस है ये कल रात का है तो ये फ्रिज में रखे रखे थोड़े रबड़ी जैसा हो जाता है कड़क हो जाता है तो इसके लिए आप थोड़ा सा ना आपके लेफ़्ट ओवर राइस है तभी थोड़ा पानी का छींटा इसके ऊपर मारिए और इसके बाद इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए यहाँ पर वेपर्स बनेंगे आपके राइस सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन अगर आपने ताज़ा राइस तैयार किया है अभी उबाला है मंचूर आई मीन फ्राइड राइस बनाने के लिए तब आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है ये सिर्फ उसी राइस के लिए जो फ्रिज से आया है क्योंकि फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा चूई हो जाता है उसमें बाइट बहुत आ जाती है और मैंने उसको फोल्ड कर लिया है राइस मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो रहा हो गया है यहाँ पे जो मंचूरियन है उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं सेम ऑयल जो फ्राई करने में मैंने लिया था वो ले लिया है यह एक चम्मच भी नहीं है ये आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कॉर्न स्टार्च है इसमें रूम टेम्परेचर पानी मिलाइएगा एक स्लरी बनानी है हमको हमेशा कॉन स्टार्च में रूम टेम्परेचर पानी या ठंडा पानी मिलाइए नेवर गर्म पानी नहीं ऐड करना है आपको वो फिर इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर ये स्लरी नहीं बनेगी ये तैयार करके पहले से रख लीजिए तेल हो गया है गर्म डाला है मैंने इसमें कटा हुआ जिंजर कटा हुआ गार्लिक कटी हुई हरी मिर्चें और ये कटा हुआ स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट है अब अच्छी तरह से थोड़ा सा इन चीज़ों को भूनना है तेल आपका बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए और फ्लेम होना चाहिए आपका फुल पे इसके बाद जो स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स होते हैं वो मैंने थोड़े से यहाँ पर ऐड कर दिए हैं इस सबको थोड़ा सा अभी भूनेंगे हम और डाल रही हूँ मैं यहाँ पे डार्क सोया सॉस एक चम्मच चिली सॉस एक चम्मच और टमेटो केचप एक से डेढ़ चम्मच आप डाल सकते हो आ, जो गोभी मंचूरियन होता है उसमें टोमेटो केचप का टेस्ट अच्छा आता है इसलिए ऐड कीजिएगा अब सारी चीज़ें मिला लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट जो होता है ना सॉस वो नहीं डाला है ग्रीन चिली सॉस आप चाहे तो डाल लीजिएगा इस पकने के बाद थोड़ी थिक हो गई है मैंने पानी डालकर इसे डाइल्यूट कर लिया है और अब इसमें एक उबाल का वेट कीजिए देखिए उबाल आ गया है तो इस पर इस स्टेज पे डालिएगा आपका जो स्लरी आपने तैयार करके रखा है वो स्लरी डालते ही आपका जो सॉसेस थे ये थिक होने लगेंगे शाइनी होने लगेंगे पर चलाते रहिए पकाते रहिए ये काफ़ी थिक है इतना थिक तो किसी भी चाइनीज़ यू you नो know, प्रिपरेशन में नहीं जाता है थोड़ा पानी डालकर इसे डाइल्यूट कीजिए हल्का सा सॉसी इसको बना लेंगे सो दैट ये हमारे गोभी मंचूरियन को अच्छे से कोट कर सकें पानी डालकर मैंने इसकी यू नो कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है थोड़ा नमक वगैरह चेक करके नमक डाला है मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला और ये है एरोमेट पाउडर और ये डालकर सारी चीज़ें मिक्स कीजिए विनेगर गोभी मंचूरियन में ऑप्शनल होता है बट थोड़ा सा डालिएगा खट्टे मीठे का बैलेंस आता है तो अच्छा लगता है और सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए इसमें उबाल जैसा दिखने लगेगा तो आपका जो गोभी मंचूरियन है वो इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से जो सॉस है इसके अंदर आपके गोभी मंचूरियन जो है इनको कोट कर लीजिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको इसे बहुत देर नहीं पकाना है क्योंकि जो सॉस है वो बेसिकली है तो लिक्विड ही ना तो ये जो आपकी क्रिस्पी क्रिस्पी गोभी हैं ये बहुत देर लिक्विड में पड़े रहेंगे आ, कुक होते रहेंगे तो इसकी जो आउटर कवरिंग है ना जो इसको क्रिस्पी बनाता है वो सॉगी होने लगेगी तो ये फिर क्रिस्पी नहीं रहेंगे सॉफ्ट हो जाएंगे मैंने गैस बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन के ग्रीन से डेकोरेट कर लिया है बस मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ ये देखिए गोभी मंचूरियन हो गया रेडी बनाइएगा खाकर देखिएगा ये बहुत मज़ेदार लगता है बनाने में भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और इसके साथ जो बनाए थे मैंने फ्राइड राइस उनको भी मैं डिश आउट कर लूँगी ये भी बहुत अच्छे लगते हैं आप ट्राई दीजिएगा आपको दोनों रेसिपीज़ पसंद आएंगी और ये आज का हमारा खाना गोभी मंचूरियन विद फ्राइड राइस इन शर्मा जी के फेवरेट वाला बोल रिव्यू शर्मा जी बहुत अच्छा है शर्मा जी तो गदगद गद हो गए मतलब गदगद गद मतलब वेरी हैप्पी बहुत सही है आ, ये थोड़ा ज़्यादा हॉट होता ना और एक्चुअली सीन लेने के चक्कर में मतलब कैसा बना फाइनल प्रोडक्ट उसमें थोड़ा ठंडा हो जाता है बट दिस इज अमेजिंग यार दिस इज अमेजिंग मेहनत वसूल पूरी पूरी और गोभी क्रिस्पी भी है ना एकदम हाँ एक्चुअली गोभी को डबल फ्राई करने की जरूरत नहीं है ये क्रिस्पी ही रहती है आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे ना ये देख लग रहा है कि आ, मतलब इसका क्रिस्प तो सुनाई तो नहीं देगा बट खाने में फील हो रहा है कि ये क्रिस्पी ही है क्रिस्पी है है, है।, है। ना शर्मा जी